मुल्तान में जुमेरात की रात को शदीद आंधी ने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। 100 किलोमीटर फी घंटा से जायद की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने बस्ती लाड़ के करीब खड़े हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस के 20 खंबे उखाड़ फेंके, जिसके बायस इलाके में अब तक बिजली फराहम नहीं की जा सकी। जितनी बस्तियां हैं, जितने मोहल्ले हैं, किसी के घर में नलका भी नहीं है पानी पीने के लिए। सबके घर मोटर लगी हुई हैं। इतनी ही शदीद परेशानी के कोई बता नहीं सकते। पानी का मसाइल है। कल 7 बजे की अंधारी आई है, लाइट गई है, तो और जना पानी का बड़ा मसाइल है। पानी वास्ते से लोग बड़े परेशान ने, तो छतें गिर ने, दीवारें गिर गया ने, लोग परेशान ने लाइट खातिर। वाबडा हुकाम ने उम्मीद जाहिर की है कि शाम तक बहाली का 90% काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस वक्त सारे जो है ना पोल नए लगाए जा रहे हैं। तकरीबन 3 इंडस्ट्रियल कनेक्शन है वो बंद है, 3 इंडिपेंडेंट, बाकी कोई 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन फीडर है वो इस वक्त बंद है, खंबे वगैरह लग रहे हैं। खंबे गिरने के बायस मुल्तान की 25 से ज्यादा नवाही बस्तियों और सनती इलाके मुतासिर हुए हैं। तेज रफ्तार आंधी के बायस गिरने वाले खंबों की वजह से मुअत्तल हुई बिजली की सप्लाई अब तक बहाल नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से इन बस्तियों में मुकीम लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ लाइबा ज़ैनब, 24 न्यूज़, मुल्तान।